अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? इतनी गर्मी है और इतनी तेज धूप है, हम आपके लिए वीडियो डेली बनाते हैं यार। वीडियो तो काफी लोग देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें हमें यार। दोस्तों गर्मी देखें आप कितनी ज्यादा है, लेकिन हम आपके लिए डेली वीडियो बनाते हैं, अच्छा से अच्छी वीडियो कि यार हमारे दोस्त देखेंगे मजा आएगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ा। और आपको ना आप कलरफुल चिक्स दिखाते हैं जो हम कल पकड़ के लाए थे, उनमें से यार एक चिक्स बेचारा मर गया यार। सुबह जब मैं आया ना इनको दाना पानी डालने, यार ये देखे यार कितने खूबसूरत कलरफुल चिक्स, माशाल्लाह सारे ठीक है। लेकिन यार एक ये वाला ना हमें छोड़ के चला गया, ये पानी वाला जो बर्तन है ना इसके अंदर पड़ा हुआ था और इसकी हालत बेचारे की आप देख रहे हैं क्या हो गई है। और एक ऊंटू का बच्चा जो ऊपर निकला था सुबह ही, वो नीचे बैठा हुआ, उसको निकाला तो भूखा होगा बेचारा, फंसा पड़ा यार। ये आ गया इधर इधर, और इसकी भी एक टांग का मसला। इस दफा जितने बच्चे निकले हैं ना सबकी 200 टांगे मुड़ी हुई है यार। ये देखें इसकी इधर से टांग मुड़ी हुई है, सीधा तो करना उसको भाई। यार ये देखें, और इधर भी ये बेचारा, इसकी दोनों टांगे मुड़ी हुई हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ आई हुई है। पता नहीं इस दफा क्या किया इन सबके बच्चों के साथ ऐसा। इन्होंने दो बच्चे निकाले थे ठीक है, और एक बच्चा तो दोस्तों मर गया है जो जिसका साइज छोटा था, एक ठीक है। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने दोबारा भी अंडे दे दिए हैं यार, इसकी परवरिश तो कर लो पहले, दोबारा अंडे दे दिए हैं। और एक भाई हमें कमेंट कर रहा था कि यार ये ट्रेयों की सफाई करें, तो दोस्तों आप देखिए मैंने सारी ट्रे साफ कर दी है। तो भाई ये क्या कर रहे हो यार? ये ना तोतों के लिए काट रहा हूँ, बाहर से तोड़ के लेके आए थे। ये अंदर वाले बीज ना जो हमारे रा पैरट और ग्रीन रिंग नेक बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं, तो पैरट बहुत खुश होते हैं ये। हाँ ये अब हम क्या के रखेंगे, देखना बड़े खुश होकर खाएंगे। चिक्स के लिए आप सबने दुआ करनी है यार दोस्तों, अब कोई ना मरे। एक तो सुबह सुबह हमारा नुकसान हो गया, एक चिक्स मर गया, एक मुझे ये वाला भी ढीला लग रहा है, ये वाला ये सबसे छोटा साइज है जिसका, लेकिन बाकी तो सारे माशाल्लाह हेल्दी है और एक्टिव है। मुझे भी चार नीचे रख दो, चार ऊपर रख दो। आजो भी आजो 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 यार, इसको चेक करो। नहीं नहीं कड़वा है वो भाई, कड़वा ही। मुझे भाई के काम देखो, कड़वा जहर होता है ये। किधर आप पानी पी के आपको कितने कहा था, चेक करो। अब ये देखना कितने मजे से खाएंगे दोस्तों। मकसूद भाई भी चेक करने बैठेगा, उनको नहीं पता ये कितना ज्यादा कड़वा होता है यार। माशाल्लाह इस वाले पेड़ के ये बच्चे, ये देखें आप, ये देखें उड़ते फिर रहे हैं दोनों बच्चे, एक ये है एक और ऊपर बैठा हुआ है। दो बच्चे निकले हैं, दोनों माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव है, दोनों फ्लाइंग करने लग गए हैं, और दोबारा भी माशाल्लाह मुझे लगता है इस पेड़ ने अंडे दे दिए। दिखाओ भाई, हाँ पहला अंडा दे दिया दोस्तों, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक को। ये वाला पेड़ हमारा मतलब चल पड़ा है बच्चे निकालना। ये देखिए कितना खूबसूरत बच्चा निकाला है दोस्तों इसने, ये देखो माशाल्लाह ये डब का बच्चा। एक ये कलर है और एक कलर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका वाइट एंड रेड है। ये देखिए दो चिक्स निकाले हैं माशाल्लाह, पकड़ लो। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत चिक्स है, दबाओ ना इसका पोटा। चलो इसका अभी तक हमने नाम नहीं रखा यार, यार इसका नाम कोई रखते हैं यार, क्या नाम इसको ठीक हो जाए यार। यार एक दोस्तों ठीक है, अब तो मकसूद भाई यार इसको ना एलर्जी हो गई थी दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट किया। ये आप देखे इसी बेचारे के ना कैसे काम भी है इसके काम, ये देखिए चेक करेंगे। इतनी ज्यादा बेचारे को एलर्जी हो गई थी, इतना ज्यादा बीमार और सूख गया था, पूरा हफ्ता इसको बेचारे को इंजेक्शन लगे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफ़ी बेहतर है और अब खाने पीने भी लग गया। खाना पीना भी छोड़ दिया था इसने, और दाने इसके जिसम पर इतने ज़्यादा हो गए थे, आपको कान नज़र आ रहे होंगे, ये सारे छिल गए थे बेचारे के। इसका नाम क्या रखें? इसका नाम आशिक रख दे, आशिक 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 नहीं। और हमारे मिनी गोट फार्म में ना दोस्तों बहुत जल्द ना गुड न्यूज़ भी आने वाली है, वो गुड न्यूज़ हमारी डियाना देने वाली है यार। मकसूद भाई आपको क्या लगता है हमारी डियाना कितने बच्चे देगी? दो के तीन? तीन देगी यार दोस्तों। हमारी डियाना भी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हमें ना गुड न्यूज़ देने वाली है, अब ये नहीं पता ये दो देगी या तीन। डॉक्टर इनाम आए थे ना, उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर साहब ने। हाँ जी यार, अल्लाह करे यार, अल्लाह करे यार, इंशाल्लाह आपकी मिठाई खिलाऊंगा। अगर दोस्तों इसने तीन बच्चे दिए ना तो मकसूद भाई को हम मिठाई खिलाएंगे, दो देंगे फिर भी खिलाएंगे। ठीक हो? ठीक है, आप सबने भी दुआ करनी है कि अल्लाह करे हमारी डियाना तीन बच्चे दे। दो बच्चे दोस्तों मैंने इसके साथ छोड़े, पर ये इतनी ज्यादा बदतमीज है, इसको इतनी पहचान है कि इसने ना उन दो बच्चों को इतना ज्यादा मारा। ये देखिए इसके कान पे जख्म भी हुआ है। मैं हाँ जी, अच्छा ये मुर्गा अंडा नहीं देता, हाँ मुर्गी अंडा वो वैसे बैठा है गर्मी की वजह से। ये इतनी बदतमीज है, इन दोनों बेचारों बच्चों को इतना मारा दोस्तों, फिर मैंने ना दोबारा इसी के साथ छोड़ दिया। मैं कह रहा था उसको फ्री कर देता, इसके साथ छोड़ देता हूँ, लेकिन इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया यार। और कुकू देखो दोस्तों माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। ये वाले चिक्स देखे आप माशाल्लाह,
कितने कितने बड़े हो गए हैं और दोनों ही वाइट है। सूर्य भाई ये बच्चे देखे माशाल्लाह कितने ज्यादा खूबसूरत और कितने बड़े हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह बस अल्लाह करे यार ये सरवाइव कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। और ये वाला पेड़ भी हमारा बिल्कुल तैयार है, मैं तो कह रहा हूँ सूर्य भाई इसको पकड़ के ना इसके अंदर बंद कर दे, खुद ही आजाद है तो फिर इसको यार अंडे देने के लिए ना जगह ढूंढ रहे हैं, इनको जगह मिल नहीं रही यार, ये जगह खाली है, खुद ही आ जाओ इसमें बना देते हैं। इधर जैसे कि ये देखो जंगली ने इधर बनाई हुई है ना जगह, ये देखो दोस्तों इधर एक जंगली पेड़ है हमारा, हमारा तो नहीं है, है तो बेचारा आजाद ही, लेकिन वो इधर हमारे घर रहता है और अंडे भी इसके फर्टाइल हुए पड़े हैं, बच्चे कुछ ही दिनों में निकलने वाले हैं। कुछ नहीं कह रहे बस जल्दी जल्दी बच्चे निकालो, गर्मी बहुत ज्यादा गलत किया दोस्तों हमने ना इसको गर्मी में बिठा के, इसको भी और जो उधर हमने टर्की बर्ड बिठाया है उसको भी, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है यार, ऊपर से इनकी हीट, अंडों की हीट, बीमार ही ना हो जाए। और बैल और स्नो बैल अपना घर छोड़ के देखो दोस्तों हमारे इधर सेफ्टी रूम में रहते हैं, इनका घर खाली पड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, उधर एक रैबिट भी नहीं है रैबिट हाउस में, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको किधर है। ये अपने घर में कम इधर वॉशरूम में और सेफ्टी रूम में ज्यादा रहते हैं, बाकी सब इधर ही होंगे। मैं ये कैसे मजे से लेटे हुए माशाल्लाह। ये गोनाफुल दो अंडे दे रही है, मुझे लगा दो फीमेल है और ये दो मेल है, अब ये नहीं पता यार ये एक ही फीमेल है ये दो फीमेल है, आप सब किसी को भाई को पता तो हमें बताए। इधर क्या करने आ गए हो, चलो भाई चलो 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 माशाल्लाह, चलो 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 अंदर चलो, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है यार। इन सब के लिए ना आप सब ने दुआ करनी है यार, ये ना मर ना जाए यार, इतने ज्यादा खूबसूरत और हम इतनी ज्यादा मेहनत से इनको पकड़ के लेके आए हैं, क्योंकि यार जैसे सुबह सुबह आती हमें एक नुकसान हुआ है ना, हमारे चिक्स मर गए यार, ये बाकी किसी को कुछ ना हो यार। एक और आपको बताया था ना वो वाला, ये सामने वो छोटा सा, हाँ बहुत ज्यादा वो देखो नीचे रहता हो, वो देखो कैसे यार, इन सबके लिए हमें दुआ करनी है सरवाइव कर जाए, इनको कुछ ना हो यार, मैं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ कि गर्मी की वजह से मर ही ना जाए, मैं तो इनका ख्याल भी बहुत ज्यादा रख रहा हूँ। तो यार दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसी तैसी वीडियो अच्छी लगे या ना लगे यार प्लीज लाइक लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, नुकसान हो रहा है, चिक्स मर गया, चिक्स का देख के ज्यादा इतना दिल अफसुरदा है ना, दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी यार मैंने बनाई। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल बुखारी पेट हाउस को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।